थोड़ी ख़राब हो जाती है, मेरा फ़ोन इतना सही नहीं है। ये देखो कश्मीर, भाई साहब कश्मीरी शॉप। रश, मेरा गोप्रो हो गया डाउन। अब मैं कोशिश करूँगा फोन से बनाने की, ठीक है? नहीं, मैं इधर से उठाऊंगा। आप लोग देख सकते हो कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कितने लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने इधर चीज़ें रखी हैं, आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी चीज़ें रखी है। स्टोन्स भी रखे हैं, ओ भाई शॉल भी रखे हैं। ये तो कश्मीर के शॉल लग रहे हैं, सच में कश्मीरी शॉल है यहाँ पे। ओ भाई ये तो कश्मीर के शॉल है। चलो देखते हैं टैग इसका होगा ना फिर, लेट मी चेक। तो दोस्तों ये सच में कश्मीर के शॉल है, आप लोग देखो इसका टैग भी लगा हुआ है, कश्मीरी शॉल्स ड्राई क्लीन। वाओ अमेजिंग यार, कश्मीर की भी चीज़ें यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इधर बहुत सारी चीज़ें रखी है, स्टोन्स भी रखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे चीज़ें। यकीन करो यार, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ कश्मीरी शॉल देखे। ओ वाओ सो अमेजिंग। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये जो ये बिल्डिंग्स लग रही है ना, लेकिन ये पहाड़ है। खुद ही देखो किस तरह उन्होंने उस वक्त डिज़ाइन किया हुआ था। वाओ अमेजिंग, सो अमेजिंग। वो देखो गाइस, ऊपर भी एक कमरा बना हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये डिस्ट्रॉय हो चुका था ना कहीं से इसका रास्ता हुआ करता होगा, आई डोंट नो। वो भी मौजूद नहीं है, लेकिन सीढ़ियां थोड़ी बनी हुई है। आप देखो ये इतना बड़ा है ना, वो कह रहे थे कि 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा है ये। इधर इंसान थक जाएगा देख देख के। इधर ये जबल मूसा इसी को भी कहते हैं, इधर पहाड़े उसको जबल मूसा जबल हारून भी कहते हैं, इसीलिए इसको वादी मूसा भी कहते हैं। आप लोग देख सकते हो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं थक गया। सुबह 10 बजे आया था, अभी दिन के 3 बज गए। आप खुद ही देखो अमेजिंग है यार, सच में बहुत बहुत, इसीलिए द वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ये। ये उनके कमरे हुआ करते थे जिसमें वो पुराने ज़माने के लोग रहते थे। ये किसी महारानी का होगा, महाराज जो है ये मतलब जो भाई रेडियो गार्डन में बातचीत कमरे बने। फाइनली टॉप पे पहुंच गया। अब उधर ऊपर भी कोई कैसल हुआ करता था शायद से, उधर जाना है। आप देख सकते हो नीचे भाई, दो 1-2 हज़ार फीट ऊपर आ गए। इधर से इधर तो बाकी खंडरात ही है। अभी भी हम पेट्रा में हैं। अमेजिंग। आप लोगों को लगेगा ये भी कोई दूसरा प्लेनेट है। ये देखो इतनी तेज़ हवा आ रही है ना, कसम से ऐसा लग रहा है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। होल्ड करके बैठा हूँ। वाओ इतनी स्पीड। तो गाइस ये देखो यहाँ पे ये स्टेडियम जैसा बना हुआ है, सीटें बनी हुई हैं, उधर जेल जैसा कुछ बना हुआ, केव। और मुझे लगता है यहाँ पे गेम तो नहीं हो सकती यहाँ पे, पता नहीं वो लोग इधर कोई कोर्ट
कचहरी जैसा लग रहा है मुझे। फिर उधर सज़ा सुनाई जाती थी उस वक्त शायद, आई थिंक वैसा ही फील हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा है, जितना आप जाओगे दूर उतना ज़्यादा लगेगा, 20 किलोमीटर तक है ये। और मुझे बहुत भूख लग गई है, तो बहुत भूख लग गई अब गाइस, मैं जा रहा हूँ इधर से, ठीक है। और ये जो आप पीछे स्टेडियम जैसा देख रहे हो, पता नहीं जो मैंने अभी कहा वही शायद होगा इसका मतलब, मुझे मेरा दिमाग कह रहा है, ठीक है। ये यहाँ का जॉर्डन का फ्लैग, और ऊपर भी आप देख सकते हो कमरे वमरे ज़बरदस्त हिसाब किताब। भाई परेशान होते हैं ना, मतलब उन दिनों ना कोई टेक्नोलॉजी ना कुछ, फिर भी उन्होंने इतना कुछ बनाया है, अमेजिंग। चलो वाह, व्हाट वाज दिस, अबे ये क्या है, ये तो बाजा बजा रहा है। दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।